वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन हिस्ट्री के कंपाइलेशन लेक्चर को हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाला है, हिंदी वाला पहले ही दे दिया था और हिंदी वाली सीरीज कंप्लीट भी हो गई है। आप वहां से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जो यहाँ लेक्चर आप सुनते हैं, भाषणबाजी होती है, उसकी PDF आपके पास हो, जब चाहे तब आप रिवीजन इत्यादि के लिए उसे इस्तेमाल कर सकें, तो आपको हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने होंगे। ये तो फ्री इनिशिएटिव है, इसका आप भरपूर लाभ लीजिए। लेकिन अगर आप पूरा मार्गदर्शन चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कहीं से आपको कुछ अन्यत्र लेना ना पड़े, सब कुछ एक जगह पर मिल जाए, तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन के तौर पर आप हमारे जो पेड ग्रुप हैं उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर दिए हैं, आप संपर्क करके प्रक्रिया पूछ लीजिएगा, ठीक है। और ये सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और देखिए, किसी भी विषय को जब आरंभ किया जाता है तो उसमें पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पुराने प्रश्नों को देखिए। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, इनसे अच्छा मार्गदर्शक कोई नहीं होता। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान के आप नोट्स इकट्ठा कर लीजिए, उनसे मार्गदर्शन ले लीजिए या किसी भी अच्छे अनुभवी व्यक्ति से भी ले लीजिए। वो हमेशा सलाह देगा कि भाई हम तो बाद में सलाह देंगे या बाद में आपकी मदद करेंगे, पहले आप पुराने प्रश्नों को देखें, ठीक है। तो यहाँ हम वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। समीक्षा अधिकारी यानी RO/RO का जो एग्ज़ाम होता है, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का, उसमें जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। और यहाँ इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को देख के कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में दिया है, आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। देखिए, प्रश्न को देखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ये मत देखिए कि उत्तर क्या दिया है और सही उत्तर जान गए हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि आयोग जो है वो फिर यही प्रश्न दोबारा दे दे, देगा भी तो इसका स्वरूप परिवर्तित रहेगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि तरीका क्या है। PYQs को देखने का मतलब ये नहीं होता कि पुराने प्रश्नों को हम रट लें और बाद में शिकायत करें कि पूछा ही नहीं गया है तो परीक्षा में। अब नए स्तर पर जो पेपर बन रहे हैं उनका स्टैंडर्ड काफ़ी ऊँचा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। जैसे मुगल डायनेस्टी से अगर पूछ रहा है, मुगल वंश से पूछ रहा है, बाबर के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसमें कौन से तरीके हो सकते हैं। अब ये बाबर का हिंदुस्तान वाला जो समय काल है उसकी बात नहीं कर रहा है, ये पीछे की चीज़ कह रहा है, बाबर का ओरिजिन, ठीक। तो यहाँ ये कहा गया कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय, एनेक्सेशन के टाइम में, बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो बाबर को इनवाइट करने वाला जो व्यक्ति था वो दौलत खान था, ठीक है, दौलत खान, ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में लिस्ट मिलान आपको करनी है, सूची दी हुई है, एक तरफ किताबों के नाम है, दूसरी तरफ ऑथर के नाम है। तो इसमें किताबों के नाम में रास पंचाध्यायी है, यहाँ आप देख रहे हैं, चैतन्य भागवत है, चैतन्य मंगल है और भक्ति रत्नाकर, वृंदावन दास, जयनंदा, नंददास और नरहरि चक्रवर्ती, ये इसमें लेखकों के नाम है। अब आपको देखना है कि इसमें मिलान कैसे होगा। ये लिस्ट वाले प्रश्न आते हैं, आयोग पूछता है, और इसमें से सिंगल भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे कह दे कि बताइए चैतन्य मंगल के लेखक कौन है, अब नीचे चार ऑप्शन, तो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा के हिसाब से मिला लीजिए, पहले का आप तीसरे से मिला लीजिए, नंददास रास पंचाध्यायी, ठीक है, और चैतन्य भागवत वृंदावन दास, इसके बाद यहाँ चैतन्य मंगल को देखिए, जयनंद से मिला लीजिए, जयनंदा नहीं है, जयनंद है, और भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती, ठीक है, ये इसका परफेक्ट मिलान है, तो सी वाले ऑप्शन को चुना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये तीसरा प्रश्न है, मतलब क्रमांक नहीं दिया हुआ है, उससे मतलब ही नहीं है। कहा गया कि जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं उन सभी में हिस्सा लेने वाला कौन सा भारतीय व्यक्ति था या कौन सा भारतीय नेता था। तो आप जानते हैं कि कांग्रेस इसमें तटस्थ ही रहती है, मनवाली नहीं हो पाती हमारी, मतलब जो मांगे हमारी थी उनको एकदम से नज़रअंदाज करके, साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उन्हीं के आधार पर लंदन में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले जो भारतीय नेता थे वो BR अंबेडकर थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी से दूसरे वाले में जाते हैं और वहाँ से भी निराश होकर लौटते हैं, इनकी कोई भी मांग सही ढंग से स्वीकार नहीं की जाती है या उसे सुना ही नहीं जाता। अब इसके बाद देखें, यहाँ मंदसौर प्रशस्ति, ये किसके बारे में, मतलब किसकी उपलब्धियों के बारे में, किसकी इसमें जो अचीवमेंट्स हैं उन्हें दर्शाया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें कुमार गुप्त प्रथम की ये उपलब्धियों को दर्शाता है, यहाँ आप देखें। अब ये जो प्रशस्तियाँ होती थी ये प्रशंसा के लिए होती थी, तारीफ इसमें की जाती थी, जैसे प्रयाग प्रशस्ति को आप देखते हैं, राजा के महिमा मंडन के लिए इन्हें लिखा जाता था। आगे बढ़ते, यहाँ आप देखें शेरशाह सूरी के बारे में कुछ दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं।
आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, मतलब कौन सा करेक्ट है। तो इसमें कहा गया कि ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ अ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा वाला देखिए, हाउ एवर हिज क्वालिटीज एज रूलर वर नॉट मोर रिमार्केबल देन हिज विक्ट्रीज ऑन द फील्ड ऑफ बैटल, मतलब ये है कि एक शासक के रूप में जो उसके गुण थे वो युद्ध मैदान में उसकी जीत से ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं थे, मतलब वो योद्धा के तौर पर ही जाना जाता है, ऐसा इसमें कहा गया। अब आपको बताना है, तो भाई योद्धा के तौर पर नहीं, एक कुशल प्रशासक के तौर पर भी उसे जाना जाता है। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बाद में अंग्रेजों तक ने अनुकरण किया है। तो इसमें दूसरा वाला गलत है और सिर्फ पहला वाला सही है, ठीक है। अब यहाँ कहा गया कि दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी हुई मस्जिद है जिसका नाम है किला ए कोहना, ठीक है, किला ए कोहना। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था किला ए कोहना को। यहाँ आप देखें, अब इसका मतलब यह है कि प्रत्येक शासक, चाहे वो शेरशाह सूरी हो या इसमें आप शाहजहां, अकबर, जितने भी मुगल हैं, तो उनके विषय में देख रहे हैं, तो इनके बनवाए हुए स्थापत्यों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद देखें अगले वाले प्रश्न को। कहा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ ग्रेट एंटिटी इन द फील्ड ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो इसमें जो दे रखा है माल गुर्जरी, ठीक है, ये नहीं है, बाकी मानसिंह तोमर भी हैं, तानसेन है ही हैं, सदारंग अदारंग है ही हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। आप जानते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत, इसकी दो शैलियाँ बाद में विकसित हुई मध्यकाल में। शास्त्रीय संगीत तो सामवेद से लिया गया है, वहीं से जन्म होता है संगीत का, तो इसकी शुद्ध अवस्था में मिलावट आ जाती है और ये बन जाती है हिंदुस्तानी शैली, जो कि उत्तर भारत में फैली रहती है। इसमें बाहरी अरबी फारसी जो मुस्लिम प्रभाव हैं वो शामिल हो जाते हैं, और दक्षिण भारतीय शैली एक तरह से अछूती ही रहती है, तो कर्नाटक शैली के तौर पर उसका विकास हो जाता है, वो मूल रूप से हमारी शास्त्रीय शैली। यहाँ पर बात हो रही है हिंदुस्तानी संगीत या हिंदुस्तानी शैली की, तो इसमें से माल गुर्जरी नहीं है, बाकी सभी। इसके बाद आप देखें 1926 में कहा गया कि जो नौजवान सभा गठित हुई थी, 1926 की नौजवान सभा, इसके सबसे शुरुआती सदस्य में कौन से शामिल नहीं है, एकदम जो इनिशियल मेंबर है उसमें किसका नाम शामिल नहीं है, उन्हें आपको चुनकर बाहर करना है। और ये ध्यान दीजिए कि ये जो नहीं शब्द है ये बड़ा हानिकारक है, अगर आप इसे ध्यान से नहीं देखते हैं तो ये नहीं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो अंबिका चक्रवर्ती इसमें शामिल नहीं है, और इसका मतलब है कि ये प्रश्न आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यशपाल भगत सिंह और छबील दास, छबीला दास इन्हें कहा जाता था, ये लोग इसमें शामिल थे। तो नौजवान सभा और भगत सिंह के जितने भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन या उनके काम हैं उन्हें पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, लिस्ट को देखें अगली, ये लिस्ट मिलान वाला है, और इसमें एक तरफ स्थान दिया है, प्लेस दिया है, दूसरी तरफ तीर्थंकर, मतलब कौन से जैन धर्म के तीर्थंकर का संबंध कौन से प्लेस से था। तो यहाँ दिया है श्रावस्ती, काकंदी, अयोध्या और पभोसा। नाम थोड़े विचित्र आपको लग रहे होंगे, तो ये पुराने नाम दिए हुए। तीर्थंकरों में ऋषभदेव हैं या ऋषभनाथ आप कह लीजिए, पद्म प्रभु हैं, सुविधनाथ हैं और संभवनाथ हैं। मिलान आपको करना था और इसका जो परफेक्ट आंसर था वो यहाँ था चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, तो मिला लेते हैं भाई। देखिए इसमें जब आप मिलान करेंगे ना, तो श्रावस्ती से मिला लीजिए संभवनाथ को। श्रावस्ती से हालांकि बौद्ध धर्म का भी आप देखें तो गहरा संबंध दिखाई देता है, और काकंदी से मिला लीजिए यहाँ पर आप पद्म प्रभु को, ठीक है, माफ कीजिएगा, काकंदी से मिला लीजिए यहाँ सुविधनाथ को, ये तीसरे वाले को। इसके बाद यहाँ अयोध्या है, तो अयोध्या से आप ऋषभदेव को मिला लीजिए, तो जग जाहिर बात है, हजार बार आपने पढ़ा होगा। अब बचता है पबोसा, तो संभवनाथ से मिला लीजिए। अब इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आप ऋषभदेव वाला जानते हैं तो कम से कम दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब ए वाला और डी वाला, लेकिन बी और सी में से आपको फैसला करना होगा, तो इसका सही जवाब है सी वाला। आगे चलते हैं, यहाँ पर कहा गया कि 1809 में राजा राममोहन राय की एक काफ़ी प्रसिद्ध किताब थी जिसका नाम था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। अब ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, इसको लिखा गया है राममोहन राय के द्वारा, तो यहाँ कई सारी इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन में ही है, जैसे कि समय इसका दिया हुआ है, लेखक का नाम यानी ऑथर का नाम दिया हुआ है, किताब का नाम दिया है, इसे लिखा गया था पर्सियन लैंग्वेज में यानी फारसी में, ठीक है। तो राजा राममोहन राय और जितने भी नवजागरण और समाज सुधार से जुड़े हुए उस समय के लोग थे, उनके द्वारा लिखी गई कृतियों या उनके द्वारा स्थापित संगठनों को ठीक ठाक ढंग से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ लिस्ट मिलान करना है आपको फिर से, बादशाह और दीवान दे रखा है, मतलब इम्परर और दीवान, या अकबर के समय में कौन था, जहांगीर के समय में कौन था, ऐसे। तो इसमें मिलान करेंगे और देखिए तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, इसी हिसाब से मिला लेंगे। तो इसका जो परफेक्ट मिलान है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, अकबर के समय में मुजफ्फर खान, जहांगीर के समय में गियास बेग या एतमादुद्दौला आप कह लीजिए, और शाहजहां के समय में जो दीवान था वो सादुल्ला खान था, और औरंगजेब के समय में असद खान। तो इन दीवानों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और ये देख लीजिएगा कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी
या पॉलिटिकल पोस्ट होती थी उन पर कौन कौन किस शासक के समय में विराजमान था ये पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, कहा गया कि कौन सी रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है, तो इसमें देखें होकेरा। अब ये क्वेश्चन जो है ये इन्वायरमेंट का है, लेकिन कर लेते हैं इसी में, ये हिस्ट्री का नहीं है फिलहाल। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव पक्षी अभयारण्य जो है वो इसमें से राज्य में स्थित है, बाकी जितने हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में हम इसे डिटेल में देखेंगे तो यहाँ इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए यहाँ देखिए, 1817 की बात हो रही है, डेविड हेयर के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। अब यहाँ समय दिया हुआ है, समय दिया है, स्थापक का नाम मतलब संस्थापक का नाम दिया है, साथ में हिंदू कॉलेज यानी कॉलेज का नाम दिया है। आपको ये बताना था कि कहाँ पर स्थापना हुई थी, तो इसका जो इसकी लोकेशन है वो कलकत्ता है। और ये जो समय है ना 1817 का, इस समय ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या इस तरह के सेंटर हुआ करते थे, कॉलेज होते थे या किस कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं इत्यादि होती थी, यहाँ तक कि कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन भी करने होते थे, तो कलकत्ता ही केंद्र हुआ करता था, यानी बंगाल। अब आगे चलते हैं, लिस्ट मिलान फिर से हाजिर है, ये बार बार पूछा जाता है। यहाँ मैन्यूमेंट्स का नाम दिया है और बिल्डर यानी जो स्मारक हैं और निर्माता, ये बहुत बार पूछा जाता है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी और आरओएआरओ में भी। तो देखिए, यहाँ स्मारक में अटाला देवी मस्जिद है, छोटा सोना मस्जिद है, इसके बाद कदम रसूल है, साथ में अदीना है, अदीना पांडुआ वाली, याद होगा ना आपको। अब इसमें जो बिल्डर है उसमें नुसरत शाह है, इब्राहिम शाह है, सिकंदर शाह है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये जो शाह है इधर होना चाहिए, और वली मोहम्मद यहाँ दिया हुआ है। मिलान करेंगे, और मिलान जब इसका करेंगे ना, तो इसमें देखिए मिला लीजिए, अटाला देवी, इब्राहिम शाह, ठीक है, और छोटा सोना, वली मोहम्मद, इसके बाद कदम रसूल के द्वारा नुसरत शाह, यहाँ आप देख रहे हैं कदम रसूल और नुसरत शाह को मिला लीजिए, साथ में अदीना को मिलाएंगे आप सिकंदर शाह से, ठीक है, डी वाले ऑप्शन को तीसरे से मिला लीजिए, ऐसे करके इसको मिलान करेंगे। तो इसमें प्रश्न ये नहीं है कि कौन सा किससे मिल रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्मारक, जैसे मध्यकाल है तो मध्यकाल में किस शासक के समय में कौन से स्मारक बनवाए गए थे, या कौन सा जो महत्वपूर्ण स्थापत्य है, आर्किटेक्चर है, उसके विषय में आपको थोड़ा सा मतलब उसकी जो उसका जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में पता होना चाहिए, उस बिल्डिंग के बारे में पता होना चाहिए और निर्माता के बारे में पता होना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए अगले वाले प्रश्न को, अभी क्रोनोलॉजी वाला है। कहा गया कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उनको कालानुक्रम में यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। तो आमेर की राजकुमारी से अकबर की शादी होती है यानी जोधाबाई से, तुकारोई का युद्ध होता है, बैटल ऑफ तुकारोई, मालवा पर मुगलों का हमला हो जाता है, ये मुगलों का इन्वेशन होता है, और कर्रानी की विजय होती है उड़ीसा पर। तो अब इसमें आपको देखना है कि अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, तो इसका जो परफेक्ट अरेंजमेंट है वो तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा के हिसाब से होगा, और इसे आप देख सकते हैं। तो अब इसमें आपको करना क्या है, समय माफ कीजिएगा, इसमें ये देखना होगा कि कौन सी चीज़ें किस समय होती हैं, ठीक है, तारीख पता होनी चाहिए, और इस तरह की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अभी अकबर का विवाह उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इसमें दिया हुआ है तो आयोग कुछ भी पूछ सकता है, और समीक्षा अधिकारी का जो प्री वाला पेपर या मेंस में भी इनफैक्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो रैंडम होते हैं, मतलब एकदम ट्रेडिशनल या जैसे आयोग पूछ रहा है उस पैटर्न से थोड़ा हट के होते हैं, उनमें तथ्यों की भरमार होती है। अब इस बार देखने लायक होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें आप मिला सकते हैं तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, कौन सा स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रीय कवि राष्ट्रवादी कवि नहीं था, मतलब आज़ादी से पहले की बात हो रही है, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन सा नेशनलिस्ट पोएट नहीं था, तो इसमें शिव कुमार बटालवी को अगर आप देखें तो ये नहीं थे, बाकी सभी हैं। तो इसमें रंगलाल को आप देखें, नवीन चंद्र सेन है और हेमचंद्र बनर्जी हैं, ये तीन जने थे, तो इनके नाम आपको याद रखने। अब यहाँ कहा गया कि नटराज के नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में, मतलब भगवान शिव की मूर्ति है ये तो पता ही है, अब इसमें नटराज की जो मूर्ति है यानी तांडव मुद्रा है भगवान शिव की, तो उनके पोज के बारे में पूछा हुआ है, उनकी जो मुद्राएं हैं, भंगिमाएं हैं, उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यह मूर्ति नृत्य करते हुए चार हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, अभी जो बताया उसमें आंसर आपको मिल गया। और दूसरा वाला है कि दाहिने कान में एक पुरुष कुंडल पहने हैं और बाएं कान में जो आभूषण पहना गया है वो महिला का है। अब आपको बताना था कि इसमें सही कौन सा है, तो सही बात है कि दोनों इसमें सही हैं, ठीक है, मतलब अर्धनारीश्वर वाली स्थिति भी इसमें भगवान शिव की दिखाई देती है, मतलब जो बायां हिस्सा है वो माता पार्वती का है, तो वहाँ जो कर्ण आभूषण है, कान का कुंडल है, इयरिंग है, वो महिला की है, और पुरुष का जो कुंडल है वो दाहिनी ओर। तांडव मुद्रा है, चार भुजाएं भगवान शिव की हैं और वो नृत्य कर रहे हैं, ठीक, तो बोथ। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं,
इसमें भी वही कालानुक्रम आपको अरेंज करना है। करजन वाइली की हत्या होती है, खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया जाता है और बहुत बुरी तरह से इनकी लाश को ठिकाने लगाते हैं अंग्रेज, टुकड़े में बांट देते हैं ताकि जन आक्रोश न भड़के। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार पत्र को शुरू किया जाता है। अब मराठा और केसरी की लैंग्वेज भी आपको पता होनी चाहिए। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का आरंभ किया जाता है, तो इसमें आराम से आप कर सकते हैं। तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, सबसे पहले क्या होता है, केसरी न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद आपका यहाँ जो एग्जीक्यूशन ऑफ खुदीराम बोस, ये आप देख रहे हैं, खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट में अल हिलाल वाला है, ये न्यूज़पेपर अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो इस क्रम में इसे रखेंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिए फिर से लिस्ट मिलान करना है। यहाँ सेकंड एंग्लो मैसूर वार का दिया हुआ है, डेट आपको पता होनी चाहिए, और एंग्लो फ्रेंच वार जो है उसकी डेट पता होनी चाहिए, फिर एंग्लो मराठा वार मतलब जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, साथ में एंग्लो अफगान वार जो है उसका भी आपको समय का पता होना चाहिए। तो मिलान करना था, और मिलान करेंगे तो इसका दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा उसी हिसाब से इसे मैच कर लेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, द्वितीय जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था मतलब एंग्लो फ्रेंच वार हुआ था उसका जो समय है वो 1750 से लेकर 54 तक का है। इसके बाद आप तीसरे वाले को मिला लीजिए पहले वाले से, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1803 से 1805 के बीच में होता है, और जो दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध है वो 1878 से लेकर 80 के बीच में होता है। तो ये समय आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब एसरेशन दिया हुआ है और रीज़न दिया हुआ है, इसे आप देखें, और इसमें ये बताना होता है कि सही है या नहीं दोनों, और साथ साथ ये भी देखना होता है कि जो कथन है उसकी उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करने वाला कारण दिया है या नहीं दिया। तो कहा गया कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। ठीक है, ये 1866 की बात है। रीज़न इसका क्या था, तो रीज़न ये था कि ही वॉन्टेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। ये क्या कर रहे थे, ब्रिटिश जनमानस जो था मतलब ब्रिटिश जनता थी उसके मन को प्रभावित करना चाह रहे थे, भारतीयों के प्रति सहानुभूति पैदा करना चाह रहे थे। तो अब इसमें क्या है, असल में ये जो विदेश में रह रहे भारतीय लोग थे उन्हें संगठित कर रहे थे, बस यही एकमात्र उद्देश्य था, बाकी ब्रिटिश लोगों को प्रभावित करना ये इनका पर्पज़ नहीं था। तो इसीलिए हम ए वाले ऑप्शन को चुनेंगे कि ए सही है लेकिन आर सरासर गलत है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें कहा गया कि कालानुक्रम में अरेंज करिए, तो लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी को इस्टेब्लिश किया जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, हिक्की के द्वारा, अगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल गजट को पब्लिश किया जाता है, और विलियम जोन्स जो है ये बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। तो इसमें तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला उसी हिसाब से इसे मिला लेंगे। सबसे पहले क्या, सबसे पहले आपका हिक्की के द्वारा बंगाल गजट को पब्लिश किया जाता है, उसके बाद फिर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट होती है, उसके बाद फिर जाकर गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को स्थापित किया जाता है, और लाला हरदयाल वाला इसमें जो ऑप्शन है वो सबसे बाद में रहेगा, गदर पार्टी की स्थापना वाला। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था, तो ये मनोरंजन कवि थे, फिरंगिया नाम से, फिरंगी अंग्रेज़ों को कहा जाता था अपने मैदानी इलाके में। ठीक है, तो मनोरंजन कवि थे, इन्होंने लिखा था, ये इनका मूल नाम नहीं है, मतलब उपनाम से कभी लोग कविता लिखते हैं तो वही चीज़ है। अब इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के बारे में यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और आपको ही बताना है कि इसमें से सत्य कौन सा है। तो देखिए, इसकी स्थापना 10 जून 1800 को 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, मतलब यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की डेट और वेन्यू दिया हुआ है। इसके बाद कहा गया कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट का जो मेन पर्पस था, मुख्य उद्देश्य था, वो ये था कि अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा दी जाए, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ऑफिसर्स हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में शामिल होने वाले लोग हैं, उन्हें इंडियन लैंग्वेजेस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, इस पर्पस से इसे एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसमें आपको ये बताना है कि सत्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, मतलब सिर्फ दूसरा वाला सही है कि जो बाहर से आने वाले नवयुवक थे या जो अधिकारी बनने की हैसियत से ब्रिटिश लोग भारत में आया करते थे, भारतीय लोगों की संस्कृति और जो यहाँ की भाषाएं हैं उनसे इन्हें परिचित कराना इसका उद्देश्य था। ये अच्छी बात है, जिनके लिए प्रशासन करना है, जिनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, उनके रंग ढंग से आप वाकिफ रहें, ये सही है। लेकिन यहाँ 10 जुलाई होना चाहिए था, ये जून देकर गलत कर दिया है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप भी गलत कर सकते हैं। तो ए वाला मतलब जो पहला स्टेटमेंट है, ए कह लीजिए या पहला कर लीजिए, ये गलत है, दूसरा वाला सही है, और इसलिए हमने बी को चुना। आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो ऐतिहासिक मेले हैं, हिस्टोरिकल मेले, वो दिए हुए हैं और स्थान दिया हुआ है कहाँ पर लगते हैं, पूछा जा सकता है। यूपी स्पेशल आजकल काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। तो कहा गया कि जल विहार का मेला, इसमें से कौन सा गलत है, मतलब गलत मिलान किया हुआ है, वो आपको बताना था। ठीक है, तो जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल, पश्चिमांचल का मतलब वेस्टर्न रीजन, जो पश्चिमी हिस्सा है, बलदेव छठ पूर्वांचल, और शुक्रताल मुजफ्फरनगर। अब इसमें देखना था आपको, और इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। अब आप बताइए कि बलदेव छठ का मेला कहाँ पर लगता है, ये लोकेशन आपको बतानी है, ये आपके लिए होमवर्क। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र, जो टोटल रीजन है, वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अंडर में कर दिया गया, अधीन कर दिया गया। पहले क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर था, तो इसमें आपको बताना है। और समय है इसका 1834, काफ़ी पहले ही ये काम हो गया था, इसे हमने देखा। इसके बाद देखें अगले वाले क्वेश्चन को, इसमें से कौन से साल में या कौन से वर्ष में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, तो इसमें आप समय देखिए, तो ये समय था 1798 का। ठीक है, यहाँ आपने देखा। इसके बाद अगले वाले को देखें, 18th सेंचुरी जो है, यानी 18वीं शताब्दी, उसका जो उत्तरार्ध था, बाद का समय था, सेकेंड हाफ था, उसमें किसे प्रायः कंपनी बहादुर शान व शौकत कहा जाता था। यहाँ थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ है, कंपनी बहादुर शान व शौकत ये एक तगमा है, तो इसका स्थानीय रिप्रेजेंटेटिव, लोकल रिप्रेजेंटेटिव किसको माना जाता था, तो दरोगा को माना जाता था। दरोगा से इसीलिए लोग डरते थे, ये घोड़े पर सवार होकर आता था और अपनी मनमानियां करता था। ठीक है, कंपनी बहादुर का मतलब है कंपनी का मुखिया, हेड। इसके बाद अब अगले वाले प्रश्न को देखिए, यहाँ पर फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंज करना है आपको। तो भारतीयों के द्वारा चीनी उद्योग को डेवलप किया जाता है, शुगर इंडस्ट्री इंडियंस के द्वारा लगाई जाती है, रसड़ा में पहली जूट मिल ये स्टार्ट की जाती है, भारत में स्टील का पहली बार प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, और बम्बई में पहली जो क्लोथ मिल है या कपड़ा मिल है उसको शुरू किया जाता है, टेक्सटाइल मिल उसे कहा जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सूतों का भी निर्माण होता था और वस्त्र तैयार किए जाते थे। तो अब इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका सही जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, चौथा दूसरा तीसरा पहला, उसी हिसाब से मिला लीजिए। सबसे पहले बम्बई में पहली कपड़ा मिल, उसके बाद फिर रसड़ा में जूट मिल का प्रारंभ, उसके बाद भारत में स्टील का पहली बार उत्पादन शुरू होता है, और भारतीयों के द्वारा चीनी उद्योग का डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, ये क्रम है, बी वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यहाँ स्टेटमेंट और उसका जो रीज़न है वो दे रखा है। तो कथन ये कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये नाइटहुड की उपाधि को त्याग देते हैं। ठीक है, नाइटहुड की जो टाइटल थी उसका त्याग कर देते हैं, और कारण क्या था कि असहयोग आंदोलन में, यानी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसमें ये हिस्सा लेना चाहते थे और इस पर्पज से उन्होंने ऐसा किया था। तो ये ठीक है कि भाई जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां और अपनी जो पढ़ाई इत्यादि है वो छोड़कर आंदोलन में स्वीकार किया था, आंदोलन में भाग लेना मंजूर किया था, लेकिन यहाँ पर ये कथन सत्य नहीं है कि इन्होंने नाइटहुड की टाइटल इसलिए त्यागी थी। कारण क्या था, तो ये जलियांवाला नरसंहार जो हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि एक नृशंस घटना थी, और उसी के चलते दुखी होकर इन्होंने नाइटहुड की जो टाइटल है उसे त्याग दिया अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा ही वो टाइटल दी गई थी। ठीक है, तो इसीलिए ए सही है लेकिन आर गलत है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा गया कि काकोरी षड्यंत्र केस जो था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, इसमें प्रधान आरोपी थे, यानी मुख्य आरोपी थे राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हें उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में फांसी दी गई, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो गोरखपुर नहीं होगा बल्कि फैजाबाद होगा। ठीक है, गोरखपुर में अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी, और ये तीन अलग अलग जगह पे फांसियों का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इसमें गोरखपुर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें, यहाँ पर कहा गया कि कौन सा भारत आने वाला जो ट्रेवलर था, पुर्तगीज ट्रेवलर था वो, माफ़ कीजिएगा, इसमें से कौन सा ट्रेवलर जो है भारत आता है और वो पुर्तगाल का नहीं था, यानी पुर्तगाली नहीं था। ठीक है, इसका मतलब है कि तीन पुर्तगीज हैं, पुर्तगाल से आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली ही आते भी हैं, तो इसमें से पीटर मुंडी ये जो है ना, ये पुर्तगाल का नहीं था। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ये कहाँ का रहने वाला था, कि मूल वाशिंदा कहाँ का था। बाकी डुआर्ड बारबोसा, डोमिंगो पायस और फरनाओ नुनीज, ये तीनों जो हैं ये पुर्तगीज थे। आगे कहा गया कि किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर अपॉइंट किया था। अब इसमें से आप देखें तो लहना, ठीक है, लहना उनके प्रिय शिष्य थे और उन्हें ये अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। नेक्स्ट,
इसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी। तो ये समय था नासिरुद्दीन खुसरो शाह का। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो यही सही है, इसमें से आप देखें तो सी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान अपॉइंटेड अ स्पेशल आर्मी टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। ये इल्तुतमिश का काम था, मतलब सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन इसने स्थापित किया था और पूरा शासन का नियंत्रण इसकी मुट्ठी में था। बाहरी दुर्गों की सुरक्षा के लिए जो सीमावर्ती किले होते थे या जो सीमावर्ती सरहदें होती थी असल में, उनके प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल आर्मी रखता था, क्योंकि उस समय बाहर से मंगोलों इत्यादि के आक्रमण का खतरा दिखाई देता था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। तो ये मुर्शिद कुली खां है, ठीक है। अब यहाँ बंगाल के जितने नवाब हैं उनकी शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है, वो सब आपको पता होना चाहिए। आगे देखें, बनारस विद्रोह जो था, बनारस रिबेलियन, उसका नेतृत्व इसमें से किसने किया था। तो जो बनारस का रहेगा वही करेगा। इसमें ऑप्शन इतने आसान है कि आप आराम से चुन सकते हैं। शुजाउद्दौला, आसफउद्दौला और महीप नारायण सिंह, इनका संबंध वाराणसी से नहीं है यहाँ पर, राजा चेत सिंह, इन्होंने किया था, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं, ईस्ट अर्ली मेडिवल सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश हैं। साथ में दिया हुआ है प्रेजेंट स्टेटस, इसमें से आपको बताना है कि गलत मिलान कौन सा है। तो कोल या कोयल क्षेत्र जो है ये अलीगढ़ को कहा जाता था, महोत्सव नगर कहा जाता था, या आप देखें महोत्सव नगरी भी कहा जाता था महोबा को, महोदय श्री कहा जाता था कन्नौज को, लेकिन जेजाक भुक्ति ये कौशाम्बी का नाम नहीं है, फिर किसका नाम है? जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का पुराना नाम है, यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कौशाम्बी क्षेत्र नहीं है बल्कि बुंदेलखंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, कहा गया कि वर्तमान यूपी जो है इसमें भारत के प्राचीन जो 16 महाजनपद थे, भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का इतिहास आप देखते हैं, तो उसमें से कितने उत्तर प्रदेश में स्थित हैं ये आपको बताना है। तो टोटल 8, ठीक है, 8 ऐसे महाजनपद थे जो कि अकेले यूपी में विद्यमान थे। अब यहाँ देखें, जा दिन जन्म भयो, इसके बाद आगे एक ब्लैंक स्पेस है, का धरती धसी अढ़ाई हाथ, ये किसका जन्म हुआ जिसके संबंध में कहा जा रहा है कि जब पैदाइश हुई तो धरती जो है वो अढ़ाई हाथ नीचे धस गई, क्योंकि इनका जो वजन और इनका रुतबा था वो इतना ज़्यादा था। तो ये आल्हा के बारे में कहा जाता है, ठीक है, ये लोकोक्ति है। आल्हा और उदल, ये दो भाई थे मध्य प्रदेश का इतिहास। तो यहाँ पर आल्हा का जन्म जब होता है तो कहा जाता है कि धरती अढ़ाई हाथ नीचे दब गई थी, ये कहावत। अब इस प्रश्न में पूछा गया कि कौन से राजा या कौन से इसमें से राजा थे, बहुवचन भी हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं, जिन्हें कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, मतलब इलेक्ट किया गया था असल में। तो इसमें हर्षवर्धन है, गोपाल है, यशोवर्मन है और नंदीवर्मन, ये पल्लव मल्ल कहे जाते थे, तो इनका नाम दिया हुआ है। तो देखिए, यशोवर्मन और नंदीवर्मन, ठीक है, ये जो है इन्हें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। यहाँ पर ऑप्शन आप दूसरे और चौथे को देख रहे हैं, माफ कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ बताने में मिस्टेक हुआ है। यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो दूसरा चौथा है, यानी गोपाल, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, गोपाल और नंदीवर्मन पल्लवमल, इनको चुना गया था जनता के द्वारा। बाकी जो है वो भी लोकप्रिय शासक अवश्य थे, लेकिन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने नहीं गए थे। आगे देखें, यहाँ पर विदेशी यात्री और भारत का घूमने का, मतलब भारत में जब ये भ्रमण करते हैं वो समय दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो फायान का टाइम गलत दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, बाकी सब तो सही ही है ना। वेनसांग का भी ठीक है, इत्सिंग का भी सही है, अलमसूदी का भी ठीक ठाक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कुल मिलाकर 2 स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। तो पहले स्टेटमेंट में कहा गया, ये सांस्कृतिक विरासत जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स होती हैं उनके विषय में कहा गया है कि द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम मेनी एक्सकेविटेड साइट्स इन दिस रीजन, ठीक है। ये रीज़न कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए, तो आप आराम से कर सकते हैं। द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स आर बर्ली एंड पैडी, ठीक है, जो सबसे पहले उगाए जाने वाले फूड ग्रेन थे उसमें बर्ली और पैडी का नाम लिया जाता है, जौ और धान। तो अब आप देखें, उत्तर प्रदेश से सबसे पुराना साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मतलब कृषि का, खेती का सबसे पुराना साक्ष्य प्राप्त हुआ है ऐसा दिया हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है ये पूछा जा सकता है, फिलहाल दोनों सही हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं है। वैसे आप पढ़ते हैं कि जो सबसे पुराना फूड ग्रेन कल्टिवेट किया जाता था वो बर्ली था, लेकिन पैडी को भी उगाया जाता था, चावल भी यहाँ भारतीय जो उपमहाद्वीप क्षेत्र है यहाँ की मुख्य फसल हुआ करती थी। तो इसमें से हम पहला दूसरा दोनों को चुनेंगे। तो यहाँ पर ये PYQs का जो सिलसिला है हमने एक सीक्वेंस में से स्टार्ट किया था, ये समाप्त होता है। अब इसके बाद जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हम
टैबुलर फॉर्म में जानकारियों को देखना शुरू करेंगे। पहले एंशियंट टाइम पीरियड में जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स इत्यादि हैं, तारीखें हैं, उन्हें कंप्लीट करेंगे और इसी क्रम में आगे चलेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।